निकलती है ना, कहाँ जाना है भाई? विदाउट लाइसेंस नॉट ड्राइविंग करना अलाउड नहीं है। करते हेलमेट नहीं पहनते या फिर विदाउट लाइसेंस चलाते। आज आप निशाद में मौजूद थे यहाँ पे बुलवार्ड रोड पे, तो किस तरीके के लोग जो हैं आपने पकड़े? ये मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये ड्राइव जो हमने इनिशिएटिव 2-3 दिन से एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर की क़यादत में शुरू किया है, इसका मकसद यही है कि जितने भी टू व्हीलर्स हैं, मैक्सिमम टीनएजर्स जो चलाते हैं विदाउट लाइसेंस, उनको रेस्ट्रेन करना। तो जितने भी हमें विदाउट लाइसेंस मिलते हैं उनको हम एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट कार्रवाई करते हैं, और इसका मकसद ये है कि टीनेजर्स जो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो ड्राइव करना नहीं जानते अच्छे से, वो टू व्हीलर्स ड्राइव ना करें या कोई गाड़ी ड्राइव ना करें। साथ साथ हम पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी जो टीनेजर बच्चे हैं आपके जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको आप गाड़ी या टू व्हीलर बिल्कुल भी मत दें। ये एक तो अपने लिए खतरा है जब रोड पे चलते हैं, दूसरा अपने साथ साथ ये दूसरों के लिए भी जान का खतरा बन जाते हैं। तो यही हमारा मैसेज है, इसीलिए हम ड्राइव लगातार रखे हुए हैं। जानना चाहते हैं कि उनके पास जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती, अगर खुदा ना खौस्ता किसी ऐसे ही ड्राइवर के थ्रू कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग क्या होती है? नहीं, अगर विदाउट लाइसेंसिंग आप एक्सीडेंट करते हो तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस तो बनता है, उसमें कार्रवाई होती है, एक्सीडेंट उसमें एफआईआर लगता है, उसमें एज पर प्रोसीजर अब्दुल्ला फिर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल, उसमें एफआईआर लगता है। सर, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज आएगा? यूथ के लिए यही मैसेज है, मैं यूथ से दो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी इस चीज़ को इतना ईजीली मत लीजिए। जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब तक आप कोई भी गाड़ी ड्राइव मत करिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद गाड़ी ड्राइव। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।